आराधना टंडन जी, आप चंडीगढ़ में पिछले 30 सालों से हैं एंड यू बीन पेंटिंग कंटिन्यूसली एंड यू बीन सीइंग योर एग्जीबिशंस एंड अ लॉट ऑफ योर वर्क्स. सो टेल मी, हाउ वुड यू डिफाइन योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट एंड ऑल्सो लिटिल अबाउट हाउ आर्ट हैपन टू यू और यू हैपन टू आर्ट. वॉट हैपन्ड? मुझे रंग जो थे वो मतलब आँख बंद करे तो कलर्स दिखाई पड़ते जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे. अच्छा. मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था जी. मैंने बचपन में मैंने आर्ट जरूर एक टीचर आया करता था जो मेरी बड़ी सिस्टर को सिखाता था. अच्छा. मुझ में कम इंटरेस्ट लेता था जब आप स्कूल में थी. छोटे हुआ करते थे. मेरी सिस्टर जो है मेरे से 8 साल बड़ी थी, वो ज्यादा अच्छा करती होंगी जी, तो उनमें इंटरेस्ट लेता था. तो आई यूज टू फील लिटिल जेलस. अच्छा. फिर ये शायद मेरे को जब बच्चे बड़े हुए और मेरे को टाइम मिला तो मुझे कलर्स दिखाई पड़ते थे कि ये आँख बंद करो तो कलर्स हैं, फिगर हैं, लाइक दैट. समहाउ आई गॉट टू नो कि आर्ट कॉलेज है यहाँ पे. अच्छा. जब मैं आई तो आर्ट कॉलेज में आके देखा मैंने. फिर मैं कैजुअल स्टूडेंट बन के यहाँ पर 2-3 साल मैंने सीखने की कोशिश करी, पर समहाउ फैमिली में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने से इतना नहीं मैं कंटिन्यू कर पाई. बट आई गॉट द आइडिया. ओके. लोगों को काम करते हुए मैं देख के मुझे आइडिया. सो यू अटेंडेड कॉलेज रेगुलरली फॉर अ फ्यू इयर्स? नहीं, मैं 3 साल में मैंने सिर्फ 17-18 दिन. बट देन यू नो, एक बार आप जब चीजों को देख लेते हो तो कैश तो बिल्कुल कुछ कर ही लेते. जी जी जी. तो आई वॉज डूइंग दैट एंड यहाँ के प्रिंसिपल प्रेम सिंह जी थे उस समय, तो उस समय उन्होंने मेरे को काफी हेल्प करी. और मैं उनके घर में ऐसी, मेरी इतनी स्ट्रांग डिजायर होती थी लर्न करने की. अच्छा. कि इवन दीवान जी के पास भी मैं एक बार. अच्छा. कुछ जानती नहीं, कुछ नहीं, बट अच्छा अच्छे लगे थे. मैं पहुंच गई उनके घर में अपना काम दिखाने के लिए. ठीक है. या प्रेम सिंह जी के पास पहुंच गई काम दिखाने के लिए. एंड दे वेयर बोथ वेयर ऑल नाइस. कि मैं, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से करना है. अच्छा. और बस देखते थे, मतलब गाइड करते थे, नथिंग लाइक दैट. जी. पर आप कंटिन्यूसली काम कर रही थी. हाँ. पेंटिंग शुरू से कर रही है? नहीं, शुरू से तो नहीं. मेरा ख्याल है मेरे जब बच्चे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया था, एक और दूसरा पढ़ रहा था जी, तब टाइम मिला. हाँ, तब मैं जी जी. तो किस तरह की, आप अगर अपने काम को डिस्क्राइब करें तो किस तरह की जो इन्फ्लुएंसेस हैं या क्या फिलोसफी है आपके काम की, थीम्स क्या हैं, और किस तरह से ट्रीट करती हैं अपने कैनवस को, उस थीम को उभारने के लिए? मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि मुझे इमोशंस बड़े अच्छे लगते हैं. आई एम वेरी अटैच टू मेनी थिंग्स जिनको कि मैं कन्वे नहीं कर पाती. ठीक है. और आई एम पुअर इन वर्ड्स जी. तो फिर वो फिर मैं अपने कैनवस में डालने की कोशिश करती हूँ. ओके. जो कि टाइम के साथ हुआ है. अच्छा. मैं ये नहीं, मेरा बड़ी स्ट्रांग डिजायर होती थी कि मैं कलर्स लगा दूं, कुछ भी बन के निकले. तो कलर्स ज्यादा, कलर्स मुझे बहुत अच्छे, फॉर्म्स से ज्यादा प्यारे लगते हैं. फॉर्म्स से ज्यादा प्यारे लगते हैं. पर आपके जो फॉर्म्स भी हैं वो थोड़ी डिफरेंट है एनाटॉमिकली. वो ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट नोज है या परफेक्ट फेस है. तो क्या इन्फ्लुएंस है, मतलब the figures are different. वो मेरे इमेजिन में, अब इमेज में ऐसे ही आता है. अच्छा. इसलिए इस तरह से बनते हैं. अच्छा. अभी भी बैठी हुई मैं आंखें बंद कर रही थी तो गुला एक रेड गुलाबी क्रिम्सन लेडी दिखाई पड़ रही थी जो झूले को मत के डोरी को पकड़े हुए. दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नो. मेरे को फिर वो जो निकल के आता है फिर उसमें. And it's all from your imagination. All my imagination. ये stem कहाँ से होता है? एक emotion से, जैसे आपने बोला, हर काम में emotion से. I felt so. And they say that a lot of emotions are there. So I felt so. Yes. Many times, you know, when emotions are there. Okay. And what is the primary? Is it love or is it happiness or any emotion? Everything. 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 Okay. इवन गुस्सा, इवन झूला, बहुत झूला, फ्रीडम, स्पेस जी जी, एंड लव एंड यू नो हगिंग एंड वांट टू नो द थिंग्स. ओके.
दिस इज ऑल्सो नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर क्यूरियस क्यूरियसिटी. अच्छा, तो उस वो कैसे कैनवस में आप डिपिक्ट करती हैं? बहुत मुश्किल है ना इमोशंस को. नहीं, मेरे को लगता है कि उसमें मैं अक्सर ये दिखाती हूँ कि जैसे वो एक लेडी है जो कि झांक के देख रही है या देख रही है उसको, तो वो भी एक क्यूरियोसिटी का ही है कि मैं दुनिया को देखना चाहती हूँ, दुनिया को पढ़ना चाहती हूँ, दुनिया को लाइक दैट. जी. तो काम कैसे करती हैं एज एन आर्टिस्ट? आपके मीडियम क्या है और टेक्सचर्स क्या है? तो मीडियम तो ज़्यादातर मैंने ऑयल रखा है अपने, और एक्रेलिक भी करने लगी हूँ अपना, डूइंग ऑन पेपर आल्सो एक्रेलिक है, पर मोस्टली ऑयल है क्योंकि ऑयल मेरे टेम्परामेंट से थोड़ा बहुत सूट भी करता है, क्योंकि उसमें एक मुझ में ये भी है कि मुझे घर के काम में भी थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए, है ना, तो वो भी घर का काम भी चल जाता है, मेरा भी काम भी चल जाता है. परफेक्शनिस्ट है? नॉट ऑल दैट, बट चाहती हूँ. हाँ, मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग ज्यादा परफेक्ट. मेरे काम में तो इतना परफेक्शन नहीं देखती हूँ मैं अपने में जी, लेकिन जी. मैं चाहती हूँ कि मतलब काम स्मूथली चलता रहे और मैं आराम से काम करती हूँ. तो आप कंसिस्टेंटली काम कर रही हैं? मैं करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं ज्यादातर करती हूँ. अच्छा, तो कुछ घंटे पेंटिंग करती है रोज? कुछ घंटे जब भी मुझे टाइम मिल जाता है. राइट, मॉर्निंग में तो करती ही हूँ, पर जब भी कभी मिलता है टाइम. तो कुछ सीरीज जो आपके दिल के बहुत करीब हों, अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, कुछ सीरीज ऑफ वर्क्स जो आपको लगता है. जैसे मैंने आजकल काम किया हुआ है, मुझे एक चांस मिला एक रेजिडेंसी में जाने का. जी. तो वो हिल्स पे थी, पास में ही कसौली में कर रहे थे. ठीक है. तो जैसे मैंने वहाँ पे जो मुझे पहाड़ जैसे दिख रहे थे, वो भी सब अर्थ एज ए लेडी, एज ए मैन, एज ए हार्डशिप, यू नो, उस तरह से मुझे दिखे, वो मैंने पेंट किए हैं नेचर के साथ, ह्यूमन इमोशंस के साथ. ओके ओके, माउंटेन्स एंड ह्यूमन इमोशंस. ओके. तो जैसे जिस घर में मैं रह रही थी, उसके घर में एक पास में जब मैं शाम को घूमने जाती थी, तो वहाँ पर एक खंडहर जैसा घर है, उसके पेड़ बड़े खूबसूरत थे. घर तो खंडहर था पर पेड़ बड़े खूबसूरत थे, चढ़ाई थी, तो उसकी भी पेंटिंग मैंने जो की है वो अपने इमोशंस के साथ हार्डशिप में की. ओके ओके. तो आसपास जो आपके इन्फ्लुएंसेस हैं, आपको जो दिखता है, यू ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट विद माय विद योर उस समय के इमोशंस के हिसाब से. तो आजकल क्या कर रही हैं, नया काम? मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन की है, पर उसी पे अभी आगे काम कर रहे हैं. ओके ओके. और जो आपकी लास्ट एग्जीबिशन थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए. लास्ट एग्जीबिशन वॉज हाँ, वो मोस्टली लेडी फिगर के ऊपर थी, लेडी इमोशंस के ऊपर थी. जी जी जी. और ओके, सो दैट इज कंटिन्यूस इन योर वर्क? हाँ, इन अदर उसमें थोड़ा सा और आ गया है एलिमेंट, नेचर के साथ आ गया है अब. ओके. तो अभी भी जाती है कभी कभी आर्ट्स कॉलेज, और हाउ डू यू? नहीं, आप सबका हमको बहुत सपोर्ट है, और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो इन्हीं लोगों से मिलती है. जी जी. और अब तो चंडीगढ़ में काफ़ी कुछ होता भी है फॉर आर्टिस्ट टू गेन फ्रॉम एंड ऑल्सो इंटरैक्ट विद अदर आर्टिस्ट. तो वो कैसे आप लोगों को हेल्प करता है एज आर्टिस्ट टू ग्रो? वर्कशॉप्स हो गई, लेक्चर्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, तो इसमें जो हम लोगों को वर्क एक्सपीरियंस मिलता है उससे बहुत कुछ जो हम अपने हिसाब से हम उससे ले लेते हैं. ओके. इवन कई लोगों को ऑब्जर्व करके भी लेते हैं. Okay. मतलब इस तरह से और इंटरेक्शन से होता है. जी जी. तो जी. जैसे अभी बैठे हुए आनंद जी कह रहे थे, पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, हंसने की, तो ये भी मैंने लिया. जी. तो जो चीज़ क्लिक कर जाती है वो पता नहीं मेरे आर्ट में आएगी नहीं आएगी कभी, बट I take it. You take it. And आपका background जो है, like your state itself is very rich in art and culture, UP, and so do you get something from there also back there? कुछ influences हैं जो अभी भी आपके काम में दिखते हैं या? मुझे अपनी mother और father के अलावा कुछ नहीं. बहुत बड़े घर. जी. बड़ा घर. जी. और ऐसा कोई दैट्स ऑल, यू नो, एज ए गर्ल आई वाज नॉट वेरी मच, यू नो, कि यहाँ जाना है वहाँ जा रहे हो. जी. तो वो घर का ही एटमॉस्फेयर ज्यादा. जी. बट कभी ये नहीं लगा कि
फॉर्मल ट्रेनिंग या आर्ट ट्रेनिंग नहीं हुई तो उसका कोई लैक नहीं लगा, अब काम में नहीं लगता? नहीं लगता है लैक, लगता है। हाँ लैक लगता है। अभी वो एक रिसेंटली जिस रेजिडेंसी में मैं थी उसमें वो बड़ौदा का एमएफ किए हुए था स्टूडेंट, मतलब नॉट स्टूडेंट नाउ तो ही पास्ड आउट, उसकी एग्जीबिशन चल रही है दिल्ली में जी। तो उसने पूछा, कहता है कि मेरे को सबसे बड़ी पे है कि मैं पढ़ा क्यों। ओके मैं तो सेल्फ टॉट होना चाहिए, तो मैं पढ़ा क्यों मुझे, तो मैंने कहा कि देखो कितना तुमको ये लगता है कि मैं सेल्फ टॉट क्यों नहीं हूँ जी, और मुझे ये लगता है कि जो तुम्हें नॉलेज है वो मुझ में नहीं है। okay. जैसे मैं बाहर बहुत घूमी हूँ लेकिन मेरे को कभी ये, और आके मैंने रात में काम भी किया है बट आई नेवर थॉट कि मैं आर्टिस्ट विलेजेस में जाऊँ वहाँ पे उनके साथ जी। अगर मैंने शायद इच्छा अपनी जाहिर की होती तो मेरे हस्बैंड उसको पूरा करते जी। पर मेरे को एक्सपोजर ही नहीं था उस टाइम का। ओके सो आई नेवर हैव डन इट दैट वे। तो मैंने कहा तुम लोगों को नॉलेज होती है तुम इस्तेमाल करो तुम उस वे में, और हमको नॉलेज नहीं है तो हम हार्डशिप में जाके फिर हम सीखते हैं, बहुत गलतियां करते हैं तब कहीं कोई चीज ठीक निकलती है। आपको लगता है ऐसे कि? हाँ मुझे लगता है। ओके आपने ट्रायल और एरर से सीखा है काफी कुछ। ओके और अभी भी गलती ज्यादा करती हूं नहीं और पर आजकल के बच्चों को इन द सेंस आजकल के स्टूडेंट्स हैं जो यंग आर्टिस्ट हैं उनकी फैसिलिटीज और उनके लिए काफ़ी इजी है, नहीं आपको लगता नहीं कि इजी? तो उनके लिए भी नहीं है, नहीं नहीं इजी उनके लिए भी नहीं है, उनके भी काफ़ी इल्यूजन्स हैं और काफ़ी उनको मेंटल स्ट्रगल है उनकी। ओके और इजी उनके लिए भी नहीं है। ओके और एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है स्ट्रगल काफ़ी होती है फॉर टू सर्वाइव इन द आर्ट वर्ल्ड या अपना काम जो है? सर्टेनली बट आई कैन नॉट से मैं टोटली, बिकॉज मैंने इतनी मेहनत नहीं करी है, मैंने सिर्फ सुना ही सुना है और मैंने इतनी मेहनत नहीं करी है कि मैंने अपनी पेंटिंग सेल करने की कोशिश करी हो, मुझे सब चीज़ें बड़ी इजी वे में मिली है और तो आई कैन नॉट से। अभी भी सिर्फ आपके लिए पेंटिंग इज अ जॉय, इज समथिंग टू क्रिएट, तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है कि सेल करना है? प्रेशर नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सेलिंग के लिए बहुत वो तरफ नहीं थे। उन्होंने कहा आराधना तुम्हें पेंट करना है पेंट करो, कोई कलर्स लगा लो, रेड लगाना है येलो लगाना है जो भी कलर लगाना है वो लगा सकते हो, तुम्हें सेल नहीं करना है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तो वो मन में जो बात बैठी हुई थी तो वो मैं वही देखती हूँ ना, उल्टा सीधा बनाती रहती हूँ। तो फ्रीडम से काम करती, फ्रीडम से काम करती हूँ, मुझे सेलिंग का नहीं है कि मेरी पेंटिंग सेल हो। मुझसे दो तीन लोग काम मांगते, मैं उनको जवाब भी नहीं देती हूँ क्योंकि अब वो हैबिट में नहीं रहा। नाउ आई एम 62, आई एम नॉट इन अ हैबिट कि मैं अपना एंजॉय करके अपना काम रख लेती हूँ। ओके सो दैट्स व्हाट आर्ट इज फॉर यू, जस्ट अ लॉट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड एंजॉयिंग योरसेल्फ। एंजॉयिंग योरसेल्फ, ग्रेट। तो कुछ ऐसा काम या कुछ ऐसी इच्छा, सम वर्क दैट यू वांट टू क्रिएट इन द फ्यूचर जो आपको लगता है अभी नहीं हुआ या करना चाहती हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट कंसर्न विद आर्ट जो आपके मन में है? मैं इसके बारे में नहीं सोचती। okay. मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं जब तक हूँ काम करती रहूँ, मतलब आई मीन आर्ट का काम मेरे को के तरफ से करने के लिए मुझे पूरी फ्रीडम हो जी, जी। फिर जो दिमाग में आएगा वो करूंगी जी। तो वो सीधा नेवर प्लान दैट जी। तो वो सीधा कैनवस पे जाता है? सीधा कैनवस पे। तो कोई ऐसा नहीं कि पहले स्केच करती हैं या कुछ? ज्यादा सीधा नहीं, कभी कभी करती हूँ, दोनों ही चेहरे से करती हूँ बट आई नेवर प्लान दैट वे कि मुझे कल क्या करना है। मैं अपने लिए तो कभी नहीं करना चाहूंगी। ओके ओके एंड नॉट फॉर योर वर्क एज वेल? नॉट फॉर वर्क, वर्क करना चाहती हूँ बस इतना प्लान पर उसके लिए ऊपर वाले ही करवाए तो कर जी जी, वो बहुत हेल्प करता है। ओके सो यू बिलीव इन दैट? या आई कीप वर्किंग, आई बिलीव इन दैट। थैंक यू राधना। थैंक यू।